हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देखो और सीखो। दोस्तों, अकेलापन, आशीर्वाद देना, किसी का आदर करना या कोई अपनी चीज़ का दिखावा करना, ये सब की इंग्लिश क्या होती है, तो चलिए जानते हैं आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। सबसे पहले है दोस्तों, सबसे पहले। सबसे पहले को इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड ग्रीट, सबसे पहले हमें नमस्ते बोलना चाहिए। दोस्तों, दूसरा शब्द है अकेलापन। अकेलापन को इंग्लिश में कहते हैं लोनलीनेस। लोनलीनेस इज़ बैड फॉर योर हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए अकेलापन सही नहीं है। फिर है दोस्तों ज़रूरी। ज़रूरी शब्द का इंग्लिश मीनिंग है नेसेसरी, नेसेसरी। एक्सरसाइज इज़ necessary for good health, व्यायाम करना अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। फिर है दोस्तों आशीर्वाद, जो हम अपने बड़ों से, भगवान से लेते हैं। आशीर्वाद को इंग्लिश में कहते हैं blessing, blessing। Take blessings from elders, बड़ों से आशीर्वाद लो। फिर है दोस्तों डांटना, जो बड़े लोग छोटे बच्चों को डांटते हैं उसे इंग्लिश में कहते हैं स्कोल्ड, स्कोल्ड। अ मॉम स्कोल्ड्स हर डॉटर, एक माँ अपनी बेटी को डांट रही है। दोस्तों, अगला शब्द है परेशान करना। परेशान करना या परेशान होना को कहते हैं डिस्टर्ब होना, डिस्टर्ब होना। डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। फिर है दोस्तों याद दिलाना, कोई चीज़ जो हम भूल सकते हैं उसे याद दिलाने को कहते हैं रिमाइंड करना, रिमाइंड करना। रिमाइंड मी अबाउट द मीटिंग, मुझे मीटिंग के बारे में याद दिला देना। फिर है दोस्तों टाल देना, कोई काम को, कोई बात को उसे कहते हैं पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना। आई पोस्टपोन माई ट्रिप, मैंने अपना जाने का प्लान जो था वो टाल दिया, मतलब वो हम बाद में जाएंगे। फिर है दोस्तों आदर करना, एक दूसरे का आदर करने को इंग्लिश में कहते हैं रेस्पेक्ट करना, रेस्पेक्ट करना। गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट, दूसरों को आदर दो तो आपको भी आदर मिलेगा, आपको भी सम्मान मिलेगा। फिर है दोस्तों ठीक से, कभी कभी हम शब्द यूज़ करते हैं ना, ठीक से पहनो, ठीक से काम करो, उसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपरली, प्रॉपरली। वेयर योर मास्क प्रॉपरली, अपना मास्क ठीक से पहनो, या वॉक प्रॉपरली, ठीक से चलो। नेक्स्ट है दोस्तों व्यवहार, किसी किसी का व्यवहार बहुत अच्छा होता है, किसी का व्यवहार खराब होता है, हम उसके एक्सप्रेशन से, हंसने, गुस्सा करने, बात करने से पता लगा लेते हैं किसी का व्यवहार कैसा है, इंग्लिश में कहते हैं बिहेवियर, बिहेवियर। हिज बिहेवियर इज़ गुड, उसका व्यवहार या स्वभाव बहुत अच्छा है। फिर है दोस्तों सरल, कुछ लोग बहुत सिंपल होते हैं, सरल होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश में कहते हैं सिंपल, सिंपल। ऑलवेज बी सिंपल, हमेशा सरल रहो, ज़्यादा ना चतुर बनो ना ज़्यादा बुद्धू बनो। फिर है दोस्तों चरित्र, किसी भी इंसान का एक चरित्र होता है, उस चरित्र को इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टर, कैरेक्टर। अच्छा चरित्र हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ही परफॉर्म्ड मैनी कैरेक्टर्स, ये अलग अलग चरित्र बहुत अच्छे से निभाता है, समय से उठता है, समय से जाता है, समय से आता है। कुछ भी, हम किसी से कभी बात करते हैं तो हम कभी भी कह देते हैं कुछ भी मत बोलो, या कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का इंग्लिश वर्ड है एनीथिंग, एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्षमता, क्षमता, किसी चीज़ में कितनी क्षमता है रखने की, भरने की, उसे इंग्लिश में कहते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी। आप ज़्यादा काम कर सकते हैं तो आपकी कैपेसिटी, क्षमता ज़्यादा है। दिस बोल हैज़ लो कैपेसिटी, इस कटोरी की कम क्षमता है। फिर है दोस्तों अलविदा कहना,
अलविदा कहना को इंग्लिश में कहते हैं गुड बाय। गुड बाय, यहाँ पर ये लड़की अपनी माँ को कह रही है गुड बाय मॉम। फिर है दोस्तों इलाज। इलाज का मतलब होता है जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं बीमार होने पर, तो डॉक्टर हमारा इलाज करता है, उस इलाज को इंग्लिश में कहते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, गो टू अ बेटर डॉक्टर फॉर गुड ट्रीटमेंट। किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, अपना अच्छे से इलाज कराओ या अच्छे इलाज के लिए। फिर है दोस्तों शाकाहारी। जो इंसान केवल शाकाहारी खाना खाता है, हरी पत्तियाँ सब्जियाँ, उसे कहते हैं वेजिटेरियन। वेजिटेरियन, वेजिटेरियन नॉनवेज नहीं खाते, मांस मछली नहीं खाते। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। फिर आते हैं दोस्तों नॉन वेजिटेरियन, जो मांस खाते हैं उन्हें कहा जाता है नॉन वेजिटेरियन। आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, मैं एक मांसाहारी हूँ। वो खाने में मीट, मछली, अंडा ये सब खाते हैं, साथ में शाकाहारी भोजन भी करते हैं। फिर है दोस्तों जब कभी भी, एक शब्द होता है जब कभी भी, उसे इंग्लिश में कहते हैं whenever। whenever, जैसे कोई टैबलेट आपको कभी भी खानी है तो डॉक्टर आपका बोल रहा है जब कभी भी आपका मन हो आप खा सकते हैं। whenever you want you can take it, जब कभी भी आपको खाना है आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बैठक। जब बहुत सारे लोग बैठकर एक चीज़ के ऊपर बात करते हैं उसे बैठक कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं मीटिंग। मीटिंग, जो ऑफिसेज में एम्प्लॉयज़ के बीच होती है, टीचर्स के बीच भी होती है। वी हैड अ नाइस मीटिंग, हमारी बहुत अच्छी बैठक थी। फिर है दोस्तों गृह कार्य। स्कूल के बच्चों को जो घर पे काम करने के लिए दिया जाता है स्कूल का, उसे कहते हैं होमवर्क। होमवर्क या गृह कार्य, डू योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय पे करो। फिर है दोस्तों वहाँ पर। अगर कोई किसी से पूछता है ये कहाँ है और कोई कह रहा है कि ये वहाँ पर है, तो उस शब्द को कहते हैं ओवर देयर। ओवर देयर, प्लीज़ गो ओवर देयर, कृपया वहाँ पर जाएं। फिर है दोस्तों पुस्तकालय, जहाँ पे बहुत सारी किताबें रखी होती हैं, आप कोई भी किताब लेकर आकर पढ़कर वापस रख सकते हैं। पुस्तकालय को इंग्लिश में कहते हैं लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, जो स्कूल और कॉलेजेस में होती है। द लाइब्रेरी इज़ फुल ऑफ बुक्स, जो पुस्तकालय है वो पूरी तरह किताबों से भरा हुआ है। फिर है दोस्तों लालची। जो पैसों का बहुत लालची होता है उसे कहा जाता है ग्रीडी। ग्रीडी, डोंट बी अ ग्रीडी मैन, एक लालची व्यक्ति मत बनो। फिर है दोस्तों कभी नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप ये ऐसी गलती करोगे दोबारा, तो आप बोलते हो कभी नहीं। छोटे बच्चे कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेवर। नेवर, Never do it again, ये काम दोबारा कभी नहीं करना। फिर है दोस्तों तैयार करना। कोई चीज़ को, किसी चीज़ को भेजने के लिए अगर आप कोई चीज़ तैयार करते हैं उसे कहते हैं प्रिपेयर। प्रिपेयर करना, They are preparing for flood donation, बाढ़ में मदद करने के लिए सामान को ये प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी परीक्षा की तैयारी को भी प्रिपेयर करना कहते हैं। फिर है दोस्तों सज्जन। आपने कई बार लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो बहुत सज्जन व्यक्ति है। सज्जन का मतलब होता है जेंटलमैन। जेंटलमैन, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका कैरेक्टर, व्यवहार, बिहेवियर बहुत अच्छा होता है। ही इज़ अ ट्रू जेंटलमैन, वो एक बहुत सज्जन व्यक्ति है। फिर है दोस्तों अनदेखा करना। अनदेखा करना को इंग्लिश में कहते हैं इग्नोर। इग्नोर, कई बार लोग हमें, हमारी बात को अनदेखा कर देते हैं, तो हमें वो क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। ही इज़ इग्नोरिंग दिस गर्ल, ये लड़का उस लड़की को अनदेखा कर रहा है और अपने मोबाइल में ही लगा हुआ है। फिर है दोस्तों सभी चीज़ें। जब हमें ऐसे शब्द यूज़ करने होते हैं कि सभी चीज़ों को ले आओ,
तो सभी चीजें का मतलब होता है ऑल थिंग्स। ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स आर चेक्ड, सारी चीजों को मैंने चेक कर लिया है। फिर है दोस्तों चिंता मत करो। अगर आपको कुछ आता नहीं है और सामने वाला कह रहा है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा, चिंता मत करो, तो इंग्लिश में उसे कहते हैं डोंट वरी। डोंट वरी, डोंट वरी आई एम हेयर, चिंता मत करो मैं यहाँ हूँ। फिर है दोस्तों जल्दी करो। कई बार आपसे दूसरे लोग कहते हैं अगर आप धीरे धीरे काम करते हैं, जल्दी करो, जल्दी से काम खत्म करो। हरी अप, हरी अप, हरी अप, वी आर गेटिंग लेट, जल्दी करो हम लेट हो रहे हैं। फिर है दोस्तों परामर्श। परामर्श का मतलब होता है जब हम किसी बड़े लोगों से बात करके कुछ सलाह लेते हैं, उसे कहते हैं इंग्लिश में कंसल्ट करना। कंसल्ट करना, डॉक्टर के पास हम इलाज कराने तो जाते हैं, लेकिन अगर आपको इलाज नहीं कराना तो हम उनसे केवल बात करके परामर्श लेके आते हैं, कंसल्ट करके आते हैं। फिर है दोस्तों दुर्घटना। दुर्घटना जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, दो कार की हो सकती है, कार बाइक की हो सकती है, एक तरह का एक्सीडेंट, तो दुर्घटना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सीडेंट। दीज कार्स मेट विद एन एक्सीडेंट, ये कार आपस में भिड़कर उनका दुर्घटना हो गया, यह दुर्घटना हो गई। फिर है दोस्तों घायल होना, चोट लग जाना। जिसको जो घायल हो जाता है उसे कहा जाता है इंजर्ड। इंजर्ड, जैसे ही इज इंजर्ड, ये घायल है, ही गॉट इंजर्ड, ये घायल हो गया है। फिर है दोस्तों सुधार। सुधार, हमें अपने काम में सुधार करना चाहिए। टीचर्स पेरेंट्स टीचर मीटिंग में बच्चों के माँ बाप को कहते हैं कि अपने बच्चे में आप ये सुधार करिए। इम्प्रूव, इम्प्रूव करना, आई विल इम्प्रूव माई वर्क, मैं अपने काम में सुधार करूँगा या सुधार करूँगी अगर आपका काम सही नहीं है। फिर है दोस्तों निर्भर होना, किसी चीज़ के ऊपर निर्भर होना, जब आपका काम उसके बिना नहीं हो सकता, उसे कहते हैं डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन, जैसे इस पिक्चर में दिख रहा है, आई कम्प्लीटली डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, मैं पूरी तरीके से निर्भर हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, जैसे वो लैपटॉप मोबाइल कुछ भी हो सकता है। फिर है दोस्तों सिंपल सा भूलना, जो हम सभी कर जाते हैं कई बार, कभी मोबाइल भूल जाते हैं, कभी चाबी भूल जाते हैं, तो कभी किसी से बात करना भूल जाते हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं फॉरगेट। फॉरगेट, अगेन आई फॉरगेट माई कीज, मैं फिर से अपनी चाबियां भूल गया। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिर है दोस्तों खजाना, जो असली में होता नहीं है लेकिन हमें सिखाया जाता है, खजाना जो पुरानी कहानियों में होता है, उसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रेजर। ट्रेजर, जो राजा महाराजाओं के ज़माने में होता था। दिस इज एन ओल्ड ट्रेजर, ये एक बहुत पुराना खजाना है। फिर है दोस्तों अहंकार करना, अहंकार को इंग्लिश में कहते हैं ईगो। कुछ लोग अपने आप को बहुत महान समझते हैं, वो सोचते हैं उनके जैसा कोई दूसरा है नहीं, ऐसे वे लोगों को कहते हैं ईगोइस्ट। द ईगो कैन डिस्ट्रॉय यू, अहंकार आपको बर्बाद कर सकता है, इसलिए आपको अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर है दोस्तों दिखावा करना, आपके आसपास कई लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारी चीज़ों का दिखावा करते हैं, चाहे वो घर हो, कार हो, या उनके कपड़े, या उनका कोई भी अच्छा सामान, तो इसे कहते हैं शो ऑफ करना। शो ऑफ करना, शी शोज ऑफ हर न्यू बैग, वो अपने नए बैग का दिखावा कर रही है। फिर है दोस्तों राजनीति। राजनीति आप सभी जानते हैं, जो नेता लोग करते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन जॉइंस पॉलिटिक्स, राजनीति में जो नेता होते हैं वो राजनीति को ज्वाइन करते हैं, उसमें चले जाते हैं। फिर है दोस्तों बहाना, जो कई लोग मारते हैं, अगर उनसे आपको काम है लेकिन वो आपका काम नहीं करते और एक बहाना बनाकर या दो बहाने बनाकर उस काम को टाल देते हैं, बहाना को इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्यूज। एक्सक्यूज, और आप सभी को हमारी तरह पसंद नहीं होगा बहाना बनाना,
आई डोंट लाइक एक्सक्यूजेस। फिर है दोस्तों वादा, जो अपना वादा पूरा निभाता है वो बहाना कभी नहीं बनाता। वादा को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉमिस। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे वादा करता हूँ। एक पिता अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं तुम्हें चॉकलेट दिला दूंगा या कपड़े या बैग दिला दूंगा। बिल्कुल, हम कई बार ये शब्द यूज करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सही किया तुमने। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हिट एग्जैक्टली एट द सेंटर, बिल्कुल बीच में निशाना मारना है। यू आर एग्जैक्टली करेक्ट, तुम बिल्कुल सही हो। फिर है दोस्तों एकता। एकता को इंग्लिश में कहते हैं यूनिटी। हम चाहे कितने भी अलग हों, अलग भाषा के हों, लेकिन हम सब में एकता है। वी इंडियंस हैव यूनिटी, हम सब भारतीयों में एकता है। फिर है दोस्तों भावुक होना। भावुक होने का मतलब है आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ दुख है, इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हैं, भावुक हैं, परेशान हैं, उसे इंग्लिश में कहते हैं इमोशनल होना। इमोशनल होना, डोंट गेट टू इमोशनल, ज़्यादा भावुक होना सही नहीं है, या ज़्यादा भावुक मत हो। फिर है दोस्तों जश्न मनाना। जश्न हम बर्थडे पे भी मनाते हैं, त्योहारों पे भी मनाते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेलिब्रेट करना। सेलिब्रेट करना, बर्थडे सेलिब्रेशन, होली सेलिब्रेशन, दिवाली सेलिब्रेशन। लेट सेलिब्रेट होली पीसफुली, चलो आराम से होली का जश्न मनाते हैं। फिर है दोस्तों अगले दिन। अगले दिन को इंग्लिश में कहते हैं नेक्स्ट डे। अगला मतलब नेक्स्ट, दिन मतलब डे। द नेक्स्ट डे इज मंडे, अगला दिन सोमवार है। फिर है दोस्तों समाज। हमारा समाज जहाँ हम रहते हैं, हमारे आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ, इसे इंग्लिश में कहते हैं सोसाइटी। सोसाइटी, वी लिव इन अ गुड सोसाइटी, हम एक अच्छे समाज में रहते हैं जहाँ पे सभी लोगों का व्यवहार बहुत अच्छा होता है। फिर शब्द है दोस्तों बढ़ोतरी। बढ़ोतरी का मतलब होता है बढ़ना, किसी के व्यापार में बढ़ोतरी होती है तो अच्छी बात होती है। इंग्लिश में कहते हैं इंक्रीज। इंक्रीज, आवर सेल्स आर इंक्रीजिंग, हमारी बिक्री में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। थैंक यू। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आपको क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है देखो और सीखो को सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का भंडार मिल जाएगा और आप बहुत सारे वीडियोस को देखकर बहुत कुछ सीख सकते हैं।